आप सबको प्रणाम करता हूँ और आदरणीय अग्रवाल जी मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत आभार आपका। और आपको इस वजह से भी मैं बधाई देना चाहता हूँ कि आपने इतना खूबसूरत कैंपस बनवाया है और ख़ास तौर पे आपके जो शीशे हैं ये बहुत मजबूत हैं, बहुत मजबूत खिड़कियाँ हैं ये सारी, क्योंकि अब ऐसे निर्भीक जब पढ़ रहे थे तो कोई हादसा नहीं हुआ। वरना हमने कई बार देखा है कि हम लोग एक बार एक कॉलेज में गए थे तो कुछ वहाँ गड़बड़ घोटाला हो गया था, बिल्डिंग फीस लेकर के ठीक से बनाया नहीं गया था। अब ऐसे निर्भीक ने जोरदार काबे पाट किया, सारी खिड़कियाँ भड़ा भड़ फूटने लगी थी, सारी देशभक्ति खिड़की से निकल गई थी। ऐसा भी कभी कभी होता है। मेरे बारे में बताया गया है कि मैं वास्तव में मैं बहुत उच्च कोटि का कवि हूँ, बहुत विद्वान हूँ, आपकी तरह ही मैं उच्च शिक्षित भी हूँ। मैं बचपन में ही उच्च शिक्षित हो गया था, मैं पहाड़ पे बैठ करके पहाड़े याद किया करता था। हाँ हमारी महसूस से मिलती है, आप भी छोटे मोटे हाफिज सईद लगते हैं। हमारी लखनऊ में जो हास्य व्यंग की एक गैंग है उसके आदरणीय सर्वेश अस्थाना जी सरगना है, हम सब इन्हीं की सरपरस्ती में जाके छोटे मोटे क्राइम ऐसे कॉलेजों में करते रहते हैं। तो बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं बताऊं कि मुझे वाकई में 5 भाषाएं आती हैं और भाषाएं बड़े गौर से सुनिएगा, लास्ट में तालियां बजाइएगा। मुझे 5 भाषाएं आती हैं, मुझे राजभाषा आती है, मुझे राष्ट्रभाषा आती है, मुझे मातृभाषा आती है, मुझे संबंध भाषा आती है और 5वीं मुझे हिंदी भाषा आती है। इतना विद्वान आदमी ये बहुत विद्वान है, ये बिहार के टॉपर हैं। और मैंने जिस विद्यालय में टॉप किया था उसमें आप अध्यापक थे, तो आपके सरपरस्ती में हमने टॉप किया था। तो आइए मैं आप लोग को सुनाऊंगा। अभय सिंह निर्भीक जी देशभक्ति की कविता पढ़ रहे थे, मैं अंदर ही अंदर दहशत में आ रहा था, बीच में तो निकल गया थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मैं बहुत डर जाता हूँ जब ऐसी कविताएं होने लगती हैं। कहते हैं कि अगली पंक्ति पर एक एक देशभक्त की ताली चाहता हूँ। अब कौन अपने आप को देशद्रोही माने, इसीलिए इतनी तालियां बच जाती हैं। हाँ जो ना जो भाई आजकल तो देशद्रोही कह दिया जाएगा, जो ताली ना